हम यहाँ पर इंडिया एनर्जी वीक के सेकेंड एडिशन पे हैं। हमारे साथ हैं अमित गर्ग, ये डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, बधाई हो इस पेट्रोल पंप के लॉन्च पर यहाँ पर, जो एक अद्भुत एक ग्रीनर फ्यूचर का मैसेज जो है वो क्या कहेंगे आप दर्शकों को, क्या है इस लॉन्च से आज? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस नए पंप के ऊपर आने का और हमसे बात करने का। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस पंप के बारे में जैसा आपने देखा, ये एक बहुत ही अद्भुत किस्म का जो आउटलेट है हमने खोला है, क्योंकि इसकी जो सारी परिभाषा है वो हमने नेचर को ध्यान में रख के बनाया है। जैसे कि आपने अभी बाहर के हमारे डीप ओशन में देखा कि हमने अपने आप पढ़ा है कि पंच तत्वों से हम सब बनते हैं और उसी में हम सब विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने उसका ध्यान रखा है कि जो सारे पंप की जब कंस्ट्रक्शन हुई, जब उसमें मटेरियल यूज़ किया गया, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ की गई कि जिससे कि सस्टेनेबिलिटी जो है उसको हम अपनी तरह से सपोर्ट कर सकें। तो हमने यहाँ पर 22% ग्रीन पोर्शन भी रखा हुआ अपने इस पंप के ऊपर, जो कि आमतौर पर हम ऐसे सब जगह नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने यहाँ उस तरह से शुरू में सोचा। उसी तरह आप यहाँ पर वाटर एलिमेंट देख रहे हैं, आप चारों तरफ हरियाली देख रहे हैं, और हमने यहाँ पर सोलर पावर अपने हम ज़्यादातर जो करीब 70-75% पावर हम यूज़ कर रहे हैं वो सोलर पावर यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन रिन्यूएबल पावर यूज़ कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर जो है E20 की भी फैसिलिटी अपने जो ग्राहकों के लिए दी है। अब E20 आप जानना चाहेंगे ये क्या होता है। हम में से बहुत लोग जानते हैं कि आजकल पेट्रोल में हम लोग जो है इथेनॉल मिलाते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, उससे पोल्यूशन कम होता है, देश को फॉरेन एक्सचेंज का फ़ायदा होता है जो हमें इंपोर्ट करने में अदरवाइज खर्च करना पड़ता है, और उससे पर्यावरण को अच्छा सहारा मिलता है। तो अभी तक हम 11-12% इथेनॉल डाला करते थे, अब इसमें कस्टमर को चॉइस होगा कि 20% वाला पेट्रोल जो है वो उनको मिल पाएगा, और जब वो ये इस्तेमाल करेंगे तो ये उनका योगदान होगा पर्यावरण की तरफ, कि वो एक ऐसा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं कि जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल 80% है, और जो मदर अर्थ के थ्रू प्रोसेस किया हुआ जो एक फ्यूल आया है वो 20% का योगदान है। तो ये बहुत बड़ा होगा, और साथ में CNG फैसिलिटी भी है, जिसको कि ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ा लेस पल्यूटिंग है और वो एक ट्रांजिशन फ्यूल के तौर पे देखा जाता है। तो इस पंप में हमने ये बहुत सारे फीचर्स ऐड करे हैं, और आप जब इसको देखेंगे, इसको कुछ इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा, इसमें हमने कस्टमर्स के लिए खाने की व्यवस्था भी करी है कि वो यहाँ आकर कुछ देर बैठ सकें, आसपास के वातावरण को निहार सकें, और उस दौरान चाय कॉफ़ी का भी आनंद ले सकें जी। और इसमें यहाँ पर ईवी, हाँ ये बहुत बताना ज़रूरी होगा कि बैटरी ईवी चार्जिंग की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। तो जिन लोगों के पास ऐसी कार है, जिनके पास इस तरह की कार है जो कि ईवी चार्जिंग में यूज होती है, जिनको कि चार्ज चाहिए होता है, वो भी यहाँ पर सुविधा जी बिल्कुल। जो दर्शक घर बैठे ये देख रहे हैं कि देखिए हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन जो है वो फ्यूचर है, और इसके बारे में बहुत क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं कि कब इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो उनको आपका क्या मैसेज है कि देखिए आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन जो हैं वो फ्यूचर हैं, और उनका फंक्शनैलिटी याद रखिए, यू नो यू आर वन ऑफ द लीडर्स इन दिस स्पेस। तो जो दर्शक घर बैठे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन के बारे में क्यूरियस हैं, उनको आप कैसे ये समझाना चाहेंगे कि आने वाले समय में ये कैसे होगा? देखिए आपने बहुत अच्छा पूछा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, आजकल इसको लेके बहुत चर्चा है, और भविष्य में ये फ्यूल जो है ये बहुत सारे व्हीकल्स को इस्तेमाल भी होगा। बट हाल ही में अगर हम बात करें तो अभी ग्रीन हाइड्रोजन के बहुत कम व्हीकल्स हैं, और ये अभी पंपों पे नहीं मिलता, क्योंकि इसको हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के कुछ इसमें जो है अभी चैलेंजेस हैं, जिसको कि अभी पूरी तरीके से जो है देखा नहीं गया है या उसमें काम चल रहा है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को समझाने के लिए आपके दर्शकों को, कि जब सौर्य ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जाती है और फिर पानी के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, और जब उसमें से हाइड्रोजन निकलती है तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, और जब ये ग्रीन हाइड्रोजन बर्न करती है, जब ये इंजन में जलती है, तो इसके जो अवशेष होते हैं वो कार्बन के तौर पे नहीं होते, वाटर वेपर के तौर पे होते हैं। तो इसलिए ये ग्रीन फ्यूल माना गया है, और मेरे हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन का रोल भी यही है कि सूर्य की ऊर्जा इस्तेमाल करी जाए और पानी का इस्तेमाल किया जाए और एक नया ईंधन का उत्पन्न किया जाए। लेकिन अभी इसमें कुछ समय बाकी है,
हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ऑलरेडी इसके बारे में हमने काफ़ी जो है R&D किया है, और हम अगले 2 महीनों में अपना एक नया प्लांट जो है वो लगाकर शुरू करने वाले हैं, और उसके जो है छोटे छोटे यूनिट्स में भी प्रयोग करे जा रहे हैं कि भविष्य में वो छोटा यूनिट जो है हम अपने पंप पर रखें और वहीं से हम हाइड्रोजन की जो पूर्ति है अपने कस्टमर को कर सकें। तो वो दिन बहुत दूर नहीं है, लेकिन हाँ उसमें अभी थोड़ा सा समय बाकी है। और जो दर्शक घर बैठे ये सोच रहे हैं कि देखिए जब हम फ्यूल स्टेशन अभी जा रहे हैं, जब हम अभी पेट्रोल पंप जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कम पोल्यूशन की, क्लीनर एनवायरनमेंट की, ग्रीनर फ्यूचर की, लेकिन अभी ऑन ग्राउंड अगर जो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि देखिए ऑन ग्राउंड अभी ज़िंदगी कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, क्योंकि जो हमारे कंसर्न्स हैं वो सब ये जो दर्शक घर पे देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि देखिए लॉन्ग टर्म बातें हो रही है, ऑन ग्राउंड क्या चेंज आ रही है अभी, तो आपका क्या मैसेज है उन सारे दर्शकों को? देखिए ऑन ग्राउंड अगर आपको मैं बोलूँगा तो बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। पहले हमारे देश में जो है जो ईंधन का इस्तेमाल होता था उसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता था, लेकिन भारत देश उन बहुत कम देशों में से ऐसे हैं जो कि Euro 4 से अगर हम बोलें, या हम जो 6 लेवल पे जो हमारे फ्यूल्स हैं उसमें हमने बहुत जल्दी से जो है मूव किया। आज बहुत कम सल्फर के हमारे फ्यूल्स हैं जिनसे कि प्रदूषण बहुत कम होता है पहले के मुकाबले। तो बहुत सारा काम इस क्षेत्र में हुआ है, और साथ साथ आजकल अब बैटरी चार्जिंग, EV की फैसिलिटी है, CNG की फैसिलिटी है, नेचुरल गैस एक साफ़ सुथरा ईंधन माना जाता है, तो इसमें तो बदलाव आता चला जा रहा है और बहुत तेज़ी से आ रहा है। जिस तरह मैंने अभी BS6 फ्यूल्स की बात करी, ये पूरे विश्व में शायद ही कोई एग्जाम्पल होगा कि जहाँ इतनी तेज़ी से BS6 फ्यूल्स में जो है हम लोगों ने चेंज किया अपने कंट्री को। तो मैं एक आश्वासन दे सकता हूँ अपने दर्शकों को जो आपके बैठे हैं कि हमारी कंपनीज और हमारी जो सरकार है बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र में काम कर रही है पोल्यूशन कम करने के उसमें, और हमारे फ्यूल्स बहुत सुपीरियर हैं पहले के मुकाबले। और भविष्य में भी जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें, प्रधानमंत्री जी के 6% से 15% नेचुरल गैस का जो है उसमें एनर्जी में कंट्रीब्यूशन की बात करें, आई थिंक ये रेवोल्यूशनरी है। और जैसा आपसे मैं एक अलग से बात कर रहा था कि कंज्यूमर के तौर पे मेरी एक ही ड्यूटी है कि मैं किसी तरह की कोई वेस्टेज ना करूं, मैं हर फ्यूल को चाहे वो कोई सा भी हो उसको संभाल के यूज़ करूं, और ये मैं देखूं कि घर में बाहर में किसी तरह की वेस्टेज नहीं हो रही है, और अगर मैं वेस्ट कम कर पाता हूं या एलिमिनेट कर पाता हूं तो ये मेरा योगदान होगा पर्यावरण के लिए और देश को इम्प्रूव करने के लिए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और इस हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।